हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अब कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है, पर ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर और लाइक तो प्लीज़ कीजिए, जिससे ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जा सके। और मेरा यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अगर करते हो तो आप भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्वीटू की हालत देखिए, वो बिल्कुल बेहोशी जैसी हालत में है, क्योंकि वो कभी टिकता भी नहीं था ऐसे। अब ये थोड़ा सा हम बाहर भी लाए हैं कि थोड़ा बाहर का माहौल देखकर, बाहर की जो मौसम देखकर थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ भटके, पर ऐसा कुछ नहीं है, भटक नहीं रहा है उसका। और ड्रिप लगने से या जो भी उसे दवाइयाँ एंटीबायोटिक दी जा रही हैं उसकी वजह से या किस वजह से ड्रिप पर ड्रिप लग रही है उसको, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नींद ले रहा है या उसे कमज़ोरी आ रही है तो वो सो रहा है। तो हम चाह रहे हैं चलो सो ले, क्योंकि उसे कमज़ोरी भी आ रही है, और फिर कमज़ोरी आ रही है तो अभी तो वो इस समय यहाँ पर वो ड्रिप पे ही जी रहा है, आप देख सकते हैं। अपना वो लाना पड़ेगा अंदर कि मेरे को कुछ खाना है, और खाने का वो पाचक शक्ति जैसे खा के पचाए, जैसे मैं खिला रहा था कुछ तो खाए, खाने से 6-7 दिन हो गए। ये ड्रिप ज्यादा देर नहीं चलेगी, अभी तुम सोच रहे हो कि ड्रिप ले रहा तो चलो हमारे लिए कल हो गया, 2-4 दिन बाद ये हाथ खड़े कर देंगे डॉक्टर की, ड्रिप नहीं देंगे। अब ड्रिप से क्या फायदा है जब ये पचा ही नहीं पा रहा। तो वही तो, तुम तो ड्रिप देते रहो, हमारे पैसे बनते जा रहे, लेते रहो ड्रिप हमारे से, हमें क्या। पर ड्रिप में उसमें जान भी तो नहीं आ रही है उतनी ज्यादा, फिर भी और कमजोर होता रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा एक दिन कमजोर होके, जब जान ही नहीं रहेगी। हिल रहा है ज्यादा, वो भी नहीं कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कमजोरी से आ रही है। अगर वो नहीं, अगर ड्रिप हटानी है तो फिर इसका वो जो वो कह रही है इलाज वो करो शुरू, वो तो बर्बाद। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं, पता नहीं क्यों स्वीटू मेरे हाथों को लिक कर रहा है, चाट रहा है और काट भी रहा है, पता नहीं क्या उसे फील हो रहा है ऐसा। और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सुबह का टाइम है, यहाँ पर 6-7 बज रहे हैं, मतलब क्लिनिक पर क्या इतनी जल्दी जाएं, सुबह के 6 बज रहे हैं, कैसा लग रहा है, कहीं स्वीटू को कमज़ोरी तो नहीं आ रही है और इसे ड्रिप के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि ज़रा फ़ोन कर लीजिए और इसे जल्दी से जल्दी ले जाइए। फ्रेंड्स, आपसे मदद की इसलिए कहा है कि हमारे पास कोई स्टेबल या परमानेंट कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और हम मिडिल क्लास से हैं, तो हम इसलिए इसका जो उन्होंने एकदम इंटेस्टाइन में ट्यूमर बता दिया, इसके एब्डोमन में कुछ कह रहे हैं मांस जैसा कुछ है, तो वो उसकी कह रहे हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादा खर्चा है। थोड़ा बहुत खर्चा जैसे कि 1000 या 2000 या जो भी टेस्ट करवा रहे हैं वो तो हम करवा ही रहे हैं, रोज़ का इसका 1500-2000 रुपया खर्च हो रहा है, वो हम कर रहे हैं, ले एकदम जो ज़्यादा अमाउंट है 1-1.5 लाख रुपया वो थोड़ा उसके लिए हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे हेल्प की कह रही थी, और बहुत से मेरे जो ऑडियंस है जिन्होंने कहा है कि आप मुझे पेपर दिखाइए कौन से डॉक्टर पे हैं या कैसे हैं, तो मैं इस वीडियो में वो भी डालूंगी। तो अब यहाँ पर स्वीटू को लेकर जा रहे हैं, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तो स्वीटू को तो ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे कमज़ोरी सी फील हो रही है और डर लग रहा है कहीं कुछ हो नहीं जाए। और आप देख सकते हैं घर की हालत, हमें तो किसी चीज़ का होश नहीं है, ना घर का कुछ हो पा रहा है कि कोई काम भी हो रहा है, कि हर वक्त इसको डॉक्टरों के पास लेके ही भागना पड़ रहा है। और जहाँ तक हमसे कोशिश होगी लास्ट मोमेंट तक, तो फ्रेंड्स हम तो अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे थोड़ी हमारी अपील थी कि भले ही किसी से 50 या 100 या 500 जितने भी जिससे हो सकें, इंडिया में इतनी पब्लिक है तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, आपके पास से तो 50, 100 या 500 रुपये ही जाएंगे और हम जैसे कि किसी की हेल्प हो जाएगी, तो मेरे स्वीटू का भी इलाज हो जाएगा, क्योंकि हम इसका छोटा मोटा खर्चा तो ऐसे उठा पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एकदम बड़ा वाला खर्चा आ गया है,
तो मैं सोच रही मेरे स्वीटू का बस ट्रीटमेंट हो जाए, सो रहा है अब वहाँ से, क्योंकि वहाँ के वीडियो तो हम बना नहीं सकते ना ड्रिप वगैरह के, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह वीडियो नहीं लेते और इसमें थोड़े वो होते हैं, थोड़े साई जैसे नेचर के हैं। और फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि हम ऐसे ना किसी की भी, भले ही हम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हों, हम दोनों की मतलब किसी की भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कोई स्टेबल बिजनेस या कुछ नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो पा रहा है। छोटा मोटा बिजनेस है उसी से हमारे खर्चे वगैरह चल जाते हैं, तो मैं इसलिए सरकार भी ऐसे उनकी मदद नहीं करती है, ना कोई नेता ही करता, आप देख सकते हैं। इसलिए मेरे इंडिया से ही अपील है, कोई रिलेटिव्स भी नहीं करते हैं किसी की भी हेल्प, कोई भी नहीं करता है। अगर आप मेरी ऑडियंस हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे सब के सब, तो हमारा बहुत मदद हो जाएगी हमारी। गाइस मेरा स्वीटू खुद बैठ जा रहा है इसमें, तो इसका मतलब है मेरा स्वीटू खुद ठीक होना चाह रहा है और वो ठीक हो जाएगा, ठीक होके रहेगा मेरा स्वीटू। कि मेरे स्वीटू में इच्छा है कि मुझे ले चलो जल्दी से और मुझे दिखाओ, मुझे ठीक करवाओ, क्यों कितनी बार हो चुका है, हॉस्पिटल जा चुका है, कितने इंजेक्शन लग चुके हैं, ड्रिप लग चुकी हैं, पर फिर भी जाने के लिए तैयार है बाहर। अब चलो जाओ बाय, अच्छी खबर आए, अच्छी रिपोर्ट आए सही से। फ्रेंड्स अब ये दूसरी जगह से भी अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं, क्योंकि हमने दो दो जगह से अल्ट्रासाउंड कराई है अपनी कंफर्मेशन के लिए, कि क्या पता पहली वाली जो रिपोर्ट थी वो गलत हो। ओ मुझे तो खिला दो भाई, जान निकली जा रही है मेरी। अब मेरा तो सीट, मेरा बच्चा चल जाएगा। गाइस दो दिन के ट्रिप के बाद मेरा बच्चा का खाना खा रहा है अब शाम को, और वैसे तो एक हफ्ते बाद है, लेकिन दो दिन से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, ड्रिप पे था कुछ नहीं, मतलब जो सेरेलेक खा रहा था वो भी दो दिन पहले ही छोड़ दिया है इसने, दो दिन हो चुके हैं मेरे बच्चे को, तो अब खा रहा है खाना। डॉक्टर से मिल के आए तो तुम्हें बताते हैं बाद में। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्वीटू का मुंह, और ये देखिए आंखें कैसी हो चुकी हैं, उनमें कोई चमक और वो नहीं रही है, बहुत चेहरा उतर गया है। और डॉक्टर से मिल के आए थे तो वो कह रहा था कि अभी इसको खाना खिला के देखिए, एक टाइम पर एक टाइम ड्रिप पर रखेंगे हम। तो फिर अब हमने खाना खिलाया इसको और ये पचा लेता है, तो उसने कहा है कि फिर वेल एंड गुड, फिर उसके बाद में हम इसका आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो देखते हैं गाइस, फिर अभी तो कुछ नहीं हुआ है मेरे स्वीटू को, उल्टी वगैरह कुछ नहीं हुई है, इसकी उल्टी से ही तो प्रॉब्लम थी जो इसको लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अब खाना खा के सो गया है थोड़ा, कि कमजोरी सी तो आई रखी है इसमें ड्रिप वगैरह, तो डॉक्टर ने ऐसे कहा है वैसे ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम। फ्रेंड्स अगर हम अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग होते हैं तो हम आपसे कभी हेल्प के लिए नहीं कहते। मैं यहाँ पर अपने दोनों डॉक्टर की रिपोर्ट यहाँ पे आपको दे रही हूँ, कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैंने दोनों डॉक्टर की रिपोर्ट यहाँ पे कराई है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझको, और ये मेरा स्कैनर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।